हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो ग्रहण गया है वो आपको जो है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मुझे कमेंट भी किए हैं। मैंने सभी का जो है रिप्लाई दिया है। फ्रेंड, जैसे ही एक महिला गर्भवती होती है तो वो बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाती है कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। टेंशन बहुत ज़्यादा तब होती है जब उनके पहले से दो बेटियां होती है या फिर एक बेटी होती है, तो सेकंड टाइम वो ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए और मुझे जो है एक बेटा हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी कि मैं इन्हीं के जो है अभी बेबी बॉय हुआ है जिनको 65 नंबर पे, तो उनके ही सिम्टम्स आपके शेयर करूंगी कि उन्होंने मुझे बताया है मैम मैंने अभी जो है बेबी बॉर्न को जन्म दिया है बेबी बॉय को, तो उन्हीं के सिम्टम्स जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूं ताकि आपको कई हद तक अनुमान लग सके कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं इस चैनल से कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं करती हूँ, बट मेरे सिम्टम्स और मेरे कुछ सिम्टम्स सब्सक्राइबरों के सिम्टम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी कई हद तक अनुमान अंदाज़ा लग जाए कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से तो देखो डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, क्योंकि ये एक अपराध है। बट हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे, जो मुझे देख करके बताते थे कि मेरे गर्भ में बेटा है, और अभी जो सब्सक्राइबर मेरी डिलीवर होकर आई है उनको बेबी बॉय हुआ है, उन्हीं के सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो आपकी सोच है कि आप इस वीडियो को कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड, पहला सिम्टम जो उन्होंने लिखा था वो ये लिखा था कि मैम मुझको जो है पूरे 9 महीने तक वोमिटिंग हुई है और मुझे जो है बेटा हुआ है। फ्रेंड्स, ये बात जो है ना मेरे फ्रेंड के साथ भी थी, एक मेरी फ्रेंड थी 12th क्लास की, तो उनको भी इवन जैसी कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और एंड तक जब तक उनके डिलीवरी के पेन भी आ रहे थे ना, जब वो लेबर रूम में थी तब भी उन्होंने उल्टी की थी। मतलब कि पूरे 9th मंथ तक भी अगर आपको वोमिटिंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके जो है बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि बोलते हैं जब आपके गर्भ में बेटा होता है तो आपके हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपको वोमिटिंग अगर हो रही है, देखिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो ये लड़का और लड़की का संकेत नहीं होता, मगर अगर थोड़ी बहुत हो रही है वोमिटिंग और पूरे 9 महीने तक हो रही है तो ये एक गर्भ में आपके बेटा होने के लक्षण कहलाता है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आपकी कमी है पानी के अंदर, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो आपको जो है पानी ज़रूर पीना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं तो आपको तुरंत जो है उल्टी हो जाती है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही होगी। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप धूप में निकले, आपके अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से मिलने की, तो घर से 2 ग्लास पानी आप ज़रूर पी के निकले, और दिन में 1 ग्लास ग्लूकोन डी आपको ज़रूर पीना है। बट ग्लूकोन डी उन महिलाओं को नहीं पीना है जिनको जो है शुगर की मात्रा बताई है, जिनका बहुत ज़्यादा शुगर आया है, तो उनको जो है ग्लूकोन डी नहीं पीना है, ठीक है। दूसरा सिम्टम्स उन्होंने मुझे ये बताया है कि मैम मुझे भी, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि चटपटा खाने से जो है बेटा होता है, मगर मेरी प्रेगनेंसी में मैंने मीठा खाया था और मुझको जो है बेटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये हर एक महिला की क्रेविंग अलग अलग होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो क्रेविंग थी, मैं मीठा पसंद करती थी, मगर प्रेगनेंसी के दौरान मुझे मीठा से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। बट ज़रूर ज़्यादा अगर आप मीठा खाते हो तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी दिक्कत करता है, क्योंकि देखिए एक सिम्टम्स तो आपको ये पता लग गया कि आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होनी है, और एक दूसरा सिम्टम्स ये था कि मेरी सब्सक्राइबर की क्रेविंग जो है इस टाइम पे मीठे पे थी, क्योंकि जैसे कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मीठा जब खाती है महिलाएं तो उनको जो है ना लड़की होती है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मुझे भी मीठे की क्रेविंग हो गई थी 8वें 9वें महीने में, तो अगर आपके साथ में मीठे की क्रेविंग बढ़ रही है तो ये हो सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा हो। मगर फ्रेंड, ज़रूर से अगर आप मीठा खाते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पहली बात यह है कि आपका शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपको मेडिसिन डॉक्टर देने पड़ेगी, आपको दवाई नहीं खानी चाहिए शुगर की, ठीक है। इसके बाद यह है आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा। मीठा खाने से क्या होता है कि वेट गेन होता है, मतलब कि वज़न बढ़ता है, और जब आपका वज़न बढ़ेगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में जाहिर सी बात है कि दुविधा आने वाली है, तो आपको अपना वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तीसरा सिम्टम्स उन्होंने लिखा है कि मैम मेरे कमर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता था और सब लोग बोलते थे कि बेटा होगा। जैसे कि फ्रेंड, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो आपके होने वाली जो संतान है वो बेटा होता है, और वहीं पे आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में आगे की साइड, तो वो लड़की का माना जाता है।
तो फ्रेंड ये कमर का जो दर्द है ना फ्रेंड्स, ये 99% मेरी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं को कमर में दर्द था प्रेगनेंसी के दौरान और जिनको जो है बेबी बॉय हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही बोलते हैं, जैसे कि फोर्स लेवल पेन बोलते हैं ना, जैसे मीठे दर्द हम बोलते हैं, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मीठा दर्द तुमको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेट से स्टार्ट हो रहा है या फिर कमर से हो रहा है। तो अगर आपके भी 8वें महीने में हल्का हल्का दर्द जो है कमर में बन गया है तो वो एक लड़के की निशानी होती है, और ये कई हद तक जो है महिलाओं पर सटीक भी बैठी है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो आपको ज़रूर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मगर अगर आपको ज़रूर सदा कमर में दर्द है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको कभी भी बैठना है, मतलब कि कहीं पे भी आप बैठ रहे हो ना, क्योंकि उस टाइम पे आपके यूट्रस का विकास, अपने आपके बच्चे का विकास बहुत हो गया है और 8वें 9वें महीने में आपका पेट भी बहुत बढ़ गया होगा। तो आपको जब भी कभी आप बैठोगे तो पीठ के पीछे जो है ना आपको सपोर्ट लेके बैठनी है, कोई भी तकिया या फिर पिल्लो, तो आपको ऐसे करके बैठना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत ना आए, ताकि आपकी कमर में दर्द ना हो। अगर कमर में दर्द होता है फ्रेंड तो ये लड़के का ही लक्षण माना जाता है, ये अधिकतर महिलाओं में पाया भी गया है। उसके बाद उन्होंने सिम्टम्स बताया है कि मैम मेरे पेट का आकार जो है वो नीचे को लटका हुआ था, मतलब कि ऊपर से तो खाली खाली लग रहा था उनको, और 8वें 9वें महीने में जो है उनका पेट जो है बहुत नीचे की साइड लटक गया था। तो सभी बोलते थे, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग तो हमारा पेट देख के ही बताते हैं फ्रेंड कि बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, तो उन्होंने यही बताया, मैम मेरा भी पेट जो है वो ओवल टाइप में था और नीचे को लटका हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा छोटा पेट था। मतलब कि 8वें और 9वें महीने में भी सब लोग ये बोलते थे कि आपका जो है 5वां या 6ठा महीना चल रहा है, कम दिखता था पेट और छोटा था और ओवल टाइप में आगे को लटका हुआ था, तो मुझको जो है इस कंडीशन से जो है बेबी बॉय हुआ है। जैसे कि फ्रेंड आपको सब लोग बोलते हैं कि अगर आपका पेट छोटा दिख रहा है तो बच्चा कमज़ोर होगा, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं की अभी डिलीवरी हुई है, जिन्होंने मुझे अपने सिम्टम्स लिख के दिए हैं, उनका लड़का जो है 2.5 किलो से ऊपर हुआ है और उनका पेट भी छोटा दिखता था, तो छोटा दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी थी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ के पेट के आकार जो है ना बेबी बॉय का संकेत देता है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। मगर आपकी लंबाई पे और छोटेपन पे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर आप छोटे हैं तो आपका पेट ज़्यादा दिखेगा, अगर आप लंबे हैं तो आपका पेट जो है वो कम दिखेगा। फ्रेंड जो मैं यहाँ पे सिम्टम्स बता रही हूँ ना, तो वो ये बहुत सटीक लक्षण है क्योंकि उनके बेटा हुआ है, तो आपको कई हद तक अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आपके गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो क्या पल रहा है। इसके बाद फ्रेंड उन्होंने जो मुझे सिम्टम्स बताया वो ये बताया है कि मैम मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम नींद आती थी, मेरी नींद जो है ना 1 मिनट में खुल जाती थी, जैसे मैं बिस्तर पे लेटती थी तो वो खुल जाती थी फटाफट से, 5 मिनट की भी नींद मुझे गहरी जो है वो नहीं आती थी। तो फ्रेंड उसका एक कारण ये भी होता है आपका नींद ना आने का, जैसे कि मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी। एक्टिव हम रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना ये एक प्लस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट बताते हैं सब लोग हमारे घर के बड़े बुजुर्ग के गर्भ में जब बेटा होता है तो हमें सुस्ती नहीं आती है, हमें पूरे दिन जो है एनर्जी बनी रहती है 3 महीने के बाद। मगर अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन हो रही है तो गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होता है, ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं। मगर मैं आपको ये बोलूँगी फ्रेंड्स, जैसे कि अब हो गई हैं गर्मियाँ, तो गर्मी के टाइम पे तो सुस्ती थोड़ी बहुत आती है ये मानती हूँ, मगर आपको दोपहर में जो है 2 घंटे ज़रूर सोना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कहला सके। क्योंकि जब हमारे दिन पूरे दिन जो है हम लोग काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो उसकी बैटरी जैसे कि फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है तो उसको भी हम चार्ज करते हैं, तो ऐसे ही हमको प्रेगनेंसी के दौरान सोने से जो है हमारी बॉडी चार्ज होती है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, हमें एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है। तो इसलिए आपको सोना चाहिए और थोड़ा सा मोबाइल से लैपटॉप से दूर रहना चाहिए ताकि आपको एक गहरी नींद आ सके। अधिकतर महिलाओं को मैं देखती हूँ जैसे ही पलंग पे बैठते हैं वैसे ही मोबाइल लेके लेटते हैं कि हम मोबाइल में कुछ कुछ देखेंगे, कुछ कुछ न्यूज़ देखेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं होती और नीचे आँखों के नीचे जो है वो डार्क सर्कल आपके बन जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको सोना नहीं है, ठीक है, सोना अच्छी तरह से है। सोने के चक्कर में बहुत सारी महिलाओं को नींद नहीं आती तो परेशान हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है ना कि उनका मानसिक संतुलन जो है ना वो खो बैठती है। जब नींद आती है तो सर में दर्द होगा, नींद पूरी नहीं हुई है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा उतरता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना ताकि इससे हर एक आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आए और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड्स ये वो लक्षण है जिनको अभी बेटा हुआ है और उन्होंने मुझे अपने लक्षण बताए हैं, वो ही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर आपको कोई
बात है जो आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात कर सकते हो मेरे से, मैं उसके ऊपर रिप्लाई दूंगी या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना।